यहाँ तो हम बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन नए लोग जो भी ये वाले वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। साहिल पूरा ट्यूब के अंदर घुस गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, मैं ये वाला ब्लॉग डायरेक्ट शुभम भाई के दुकान से स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखिए, हर बार की तरह शुभम भाई अपने जगह काउंटर के ऊपर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर है साहिल भाई डोवाने और इधर है प्रचिल दादा। अभी हम सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं स्विमिंग करने जाने के लिए। जुनून आ जाने वाले हैं अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बहुत कड़कती धूप है। देखिए, सभी लोग स्कार्फ बांध के घूम रहे हैं। तो अभी हम दोस्त लोग जाएंगे तैरने के लिए। मस्त तैरने में बहुत मज़ा आता है गाइस, कैसा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अभी फाइनली ट्यूब हमारा आ चुका है। ट्यूब लेके जाना जरूरी है, भले ही हम सभी को अभी तैरना आता है, लेकिन ट्यूब का मज़ा कुछ अलग ही रहता है। सभी लोग ट्यूब में मस्त मस्ती करेंगे। क्या साहिल भाई, मस्ती करेंगे बहुत। ये है हीरा भाई, मरते मरते बचे ना। हाँ, वो क्या कहानी था, वो ट्यूब लेके बीच में गए थे तीन जन, लहर आ गई अचानक पूरे। हाँ, हवा धुन चालू हो गया था, जम के है ना, बच गए पानी। पहले बॉटल है, बम लहरे चालू हो गए थे तालाब के बीच में, इसलिए मैं बचा। तो भूखने पड़ी कहा जा रहा हीरा, ट्यूब आज बहुत बड़ा ट्यूब है ना। लेकिन ये कौन सा ट्यूब है, कौन से टायर का है? ट्रक का ही है। नहीं, ट्रैक्टर का होगा, सामने के नहीं। नहीं, सामने का तो नहीं होगा, दूसरे इसका ही चाहिए। प्रशील भाई, तुम ब्लॉग देखते हो कि नहीं मेरा? देखा करो ना यार, सब्सक्राइब किए कि नहीं? नहीं किए। साहिल पूरा ट्यूब के अंदर घुस गया। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं झुरुना के तरफ। झुरुना तालाब में जाके अभी फुल तैरना है, फुल अभी चिल्ड हो जाएगा वहां जाने के बाद। और ये रहा देखिए ट्यूब, बहुत बड़ा ट्यूब है गाइस ये वाला। हम जितने बार भी तालाब में आते थे ना, तो छोटा ट्यूब लेके जाते थे, इस बार का ट्यूब बहुत बड़ा है। और गाड़ी चला रहा है यश भाई। पहुंच चुके हैं गाइस अभी जुनुना गांव। जुनुना गांव के एकदम गेट के सामने हम लोग रुके हैं, क्योंकि यश भाई एक ट्यूब लेके आने वाला है। यहाँ पर यश ने एक ट्यूब रख के गया था, और बाकी हमारे दोस्त लोग पूरे यहाँ। अभी हम एंटर कर लिए हैं ये गांव के अंदर, ये है मेन गेट, ग्राम पंचायत जुनुना। दोनों भाई नाम से कुछ नहीं बताया, नाम कमा के यहाँ से एकदम व्यू चालू हो जाता है मेन, जो हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं ना। तालाब यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत दूर, कम से कम 1.5 किलोमीटर ये लंबा होगा तालाब, और पूरा बर्ड रिजर्व है गाइस। बर्ड आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, वो देखो वो वाइट वाइट कलर के बर्ड्स है, और वो साइड में गाइस बहुत सारे बर्ड्स है। अभी मैं गाड़ी पर हूँ तो दिखेगा नहीं क्लियर। फाइनल लोकेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर हम लोग तैरने वाले हैं। ये मच्छी वाले ये जानबूझ के फोड़े वाले हैं पूरे काचा, बिना मतलब भी नहीं गए, ऐसे जाके ऐसे फोड़ के पूरे। ये यहाँ पर मच्छी वाले मच्छी पकड़ने के लिए बैठते हैं, तो ये लोगों ने नहीं किया, यहाँ से पूरा दारू के बॉटल कांच फोड़ के रखे है यहाँ से, ताकि हम लोग यहाँ से तैरते ना, हर बार हम लोग तैर ना सके, इसलिए देखिए यही इसे तैरते हैं। ये मच्छी वाले है जो भी तोड़े हैं, ये मच्छी वाले मिल गए तो फिर इन लोगों को दिखाए बताते फिर। पर अभी हम सभी लोग, साहिल भाई और मैं और हीरा भाई, सभी लोग अभी तैर रहे हैं। ये वाला ट्यूब बहुत ही बड़ा है, और ये वाला ट्यूब देखिए कितू सा है मेरे साइज का। लेकिन साहिल वो बैठने वाला सीखा ना मेरे को, अभी जैसे बैठ रहा था ना एकदम ऐसी मैं एक बार ट्राई करता, मेरे को भी नहीं आता। कम से कम 4-5 बार तालाब में आने के बाद आज सीख गया मैं इसके ऊपर बैठना, तो मेरे को नहीं आता। सरकना
तो गाइस अभी इसके ऊपर मैं उल्टा लेट के अभी अंदर जाने वाला हूँ, ट्राई करता हूँ, मेरे को ये तो नहीं आता, देखता हूँ अभी आता है। तो गाइस देखिए हेमंत बाबा और हीरा बाबू कितना दूर चले गए है। देखिए हीरा बाबू अपनी कलाकारी दिखा रहा है और वो देखो हेमंत बाबू बहुत दूर चले गई है। अचानक यहाँ पर बारिश आना चालू हो गया और इधर का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे, तालाब के अंदर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बड़े वाले ट्यूब के ऊपर बैठा हुआ था और मस्त व्यू का मज़ा ले रहा था, फिर मैं ट्यूब को रिवर्स लेके इतने स्पीड में आ रहा था ना गाइस, वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन काफ़ी स्पीड में आ रहा था। मैं ये फर्स्ट टाइम किया हूँ ट्यूब के ऊपर बैठ के मस्त स्विमिंग कर रहा था, लेकिन बहुत स्पीड में स्विमिंग हो रही थी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि। तो गाइस अभी सभी का नहाना धाना कंप्लीट हो गया है, आज कम से कम 2 घंटा नहाए, उंगलियां देखिए कैसे हो गए, इतना खतरनाक नहाए आज, सभी का हो गया है, सभी निकल रहे हैं अभी घर की तरफ। ये बड़ा वाला ट्यूब अभी हमको लेके जाना है, तो मैं अकेले ट्यूब में बहुत दूर तक गया था, बहुत ही दूर तक, और ऊपर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। हाँ वो गाइज अभी जब हम तालाब में तैर रहे थे ना तो बूंदाबांदी चालू हो गई थी बारिश की, बहुत मजा आने वाला था अगर बारिश आती थी तो, अब मैं तो सबसे बड़े वाले ट्यूब में बैठा हुआ था लेकिन बारिश आई नहीं, अभी तो धूप निकल रही है। ये देखिए और व्यू देखिए गाइस, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। यहाँ तो हम बहुत बार आ चुके हैं लेकिन नए लोग जो भी ये वाले वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी नहा धो के तो हम उठ चुके हैं, अभी निकल गए हैं घर की तरफ, चलते हैं अभी घर पे। तो गाइस यहाँ पर बंदर दिखे थे मस्त, और व्यू इतना बढ़िया आ रहा है ना कि क्या ही बोलूं, सच में कैसे बूंदाबांदी बारिश हुई थी ना उसके कारण गाइस झाड़ वाड़ पूरे चमक गए, एक नंबर व्यू आ रहा है, पूरे झाड़ एकदम मतलब वो कैसा ऐसा लगता है, वीडियो एडिटिंग करते वक्त अपन सैचुरेशन बढ़ा देते ना तो वो सैचुरेशन बढ़ा दिया ऐसा लग रहा, बहुत सही व्यू है। फिलहाल तो गाइस हम आ चुके हैं अभी घर के तरफ, शुभम भाई का दुकान बंद है और सारे दोस्त लोग अभी चले गए, मैं भी अभी चलूंगा घर के तरफ, नहा लेते अभी घर जाके, बहुत ज़्यादा अलग ही लग रहा है अभी, पसीने से पूरा भर गया हूँ अंदर से। तो गाइस अभी मैं मस्त घर आ गया हूँ और नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि हम जैसे तालाब से नहा के आए थे ना तो हल्की फुल्की थोड़ी सी ऐसी खुजली जैसी हो रही थी, तो फटाफट नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया, खाना भी खा लिया था, थोड़ा सा भूख लग गई थी गाइस। आज हमने करीब 2 से 2.5 घंटा तैरे, बहुत ज़्यादा तैरे, बहुत ही तैरे, ट्यूब के ऊपर भी बहुत तैरे। शाम हो चुकी है गाइस और घर पे मेहमान आया है, 2 नानी आई है, मेरी नानी और एक गांव की नानी है, दोनों नानी आज सुबह ही आए हैं तो वो दोनों अभी टीवी देख रहे हैं, तो अपन अभी फिलहाल चलते हैं बाहर घूमने के लिए, अभी तो बस शाम हो चुकी है तो चलते हैं। तो गाइस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये ब्लैक टी शर्ट अभी गर्मी में और ज़्यादा गर्म लगने वाला है, लेकिन अभी मेरा टी शर्ट सभी ख़राब है तो ये कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं ये ब्लैक टी शर्ट पहना। चलते हैं हर रोज की तरह अभी शुभम भाई के दुकान के सामने, ये रहे देखिए शुभम भाई हाथ धो रहे। शुभम भाई के दुकान का नाम मैंने आप लोगों को बताया नहीं शायद से, है ना, श्री साई, और यहाँ पर बूट हाउस लिखा है श्री साई बूट हाउस, और ये साइड वाला दुकान भी शुभम भाई का ही है, किराए पर देखे। फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ घर और यहाँ देखिए दोनों नानी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिक्चर देख रहे हैं दोनों नानी मिलके। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेहमान आए हैं गांव से, ये दोनों नानी है जो कि खाना वाना सब कुछ हो गया कंप्लीट, अभी पिक्चर देख रहे, और इधर मम्मी जी मेरा खाना लगा रही है, मैं अभी खाना खाऊँगा, तो देख लीजिए दोनों नानी को कैसा ये कर रहे सो कर रहे दोनों नानी। फिलहाल तो गाइस अभी खाना वाना मस्त कंप्लीट हो गया है और आज खाने में पूरा दिन झींगा खाए, बहुत सारा मैंने झींगा खरीद के लेके आया था ना तो झींगा खाए मस्त। तो गाइस आज का मेन ब्लॉग सिर्फ स्विमिंग करने के ऊपर था, आज हम मस्त स्विमिंग करने के लिए गए, बड़ा सा एक ट्यूब था, वो ट्यूब में स्विमिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत दूर तक गया था मैं तालाब के अंदर तक, वो ट्यूब काफ़ी अच्छा था इसलिए सेफ था वो ट्यूब में जाना, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं था,
तो ठीक है गाइस, इसी तरीके का रहा आज का दिन। नए लोग अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।